अजय जी देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन जो $1,650 की रेंज में ट्रेड कर रही थी अब $1,740 की रेंज में ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से यूएस सोयाबीन के वायदा में उछाल आया है उसका असर अब भारत में और बाकी जगहों पर प्राइसेस में कैसा देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट में तेजी आई इसका सबसे बड़ा कारण इंडिया ही था। पिछले साल हमने देखा जब जब इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की तब तक मार्केट के अंदर एक बड़ा जंप ही आया, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर फॉर ऑल एडिबल ऑयल, ऑल एडिबल मोस्टली हम देख रहे हैं। चाइना भी नो डाउट अब थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका है। इंटरेस्ट में मुझे लगता है अभी मैंने जो मैंने हो सकता है प्राइसेस एक स्टेबल रहे, जो 1,605 से लेकर 1,780 तक का लेवल दिखा दे, 1,800 के ऊपर अभी टाइमिंग जाता हुआ है। बट ध्यान रखना मई जून के बाद ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स क्रैश करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हमने देखा कि डिस्पाइट यूक्रेन का इस बार जो स्विंग है वो काफी सीवियर ड्रॉप बताया जा रहा है, उसको देखते हुए अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, इंडिया इन सभी राज्यों में ऑयल सीड का जो स्विंग होनी है वो एक बंपर स्विंग होनी, जैसे हम इंडिया की बात करें तो सोयाबीन की स्विंग आनी है सामने, और यहाँ पे हम बड़ा इजाफा देख रहे हैं बिकॉज साउथ में हमने बात की जहाँ पे हल्दी के प्राइसेस काफी कम होने की वजह से हल्दी के फार्मर भी सोयाबीन की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले महीने डेढ़ महीने सोयाबीन स्टेबल टू पॉजिटिव रह सकता है, बट जैसे हम जून मंथ में एंटर करेंगे मानसून के साथ और स्विंग के फिगर्स के साथ प्राइसेस में एक बड़ी गिरावट आना चालू हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट मार्केट के मूव की बात करें तो 1780 से 1800 वर्स्ट टू वर्स्ट ऑन हायर साइड, बट जून के बियॉन्ड पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक बड़ा फॉल देख सकते हैं। जी